कितना आ रहा तुम्हारा आंसर? 160.8 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो वॉल्यूम का रिलेशन दे रखा है आर के साथ, राइट? वॉल्यूम इज चेंजिंग विथ आर, तो हमने इसीलिए डीवी बाई डी आर निकाल लिया, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। अब हमें निकालना है क्या? फाइन चेंज इन वॉल्यूम। अब हमें क्या निकालना है? चेंज इन वॉल्यूम इफ रेडियस हैज चेंज फ्रॉम 20 सेंटीमीटर्स टू 20.1 सेंटीमीटर। तो हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है एक तरह से डेल्टा आर दे रखा है, दैट इज 20 टू 20.1, मतलब कितना चेंज हुआ? 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है? तो डेल्टा आर दे रखा है, हमें निकालना क्या है? डेल्टा वी। सो ये डेल्टा वी बाई डेल्टा आर इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू डी वी बाई डी आर। एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, लेकिन अगर रेट ऑफ चेंज कॉन्स्टेंट है तो हम ये बोल सकते हैं कि डेल्टा वी बाई डेल्टा आर इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी आर। ये डी वी बाई डी आर हमने ऑलरेडी निकाल लिया, कहाँ पे निकाला? ये 4πr2। इसका मतलब डेल्टा वी क्या हो जाएगा? डी वी बाई डी आर इंटू डेल्टा आर, राइट? तो ये कितना हो गया? 4πr2 इंटू डेल्टा आर। डेल्टा आर की वैल्यू कितनी है? 0.1। समझ में आया? तो अब हमें सिर्फ ये निकालना है, तो डेल्टा वी इज दिस, लेकिन ये हमें एग्जैक्ट वैल्यू कैसे पता पड़ेगी? तो ये आर कहाँ कहाँ से कहाँ इंक्रीज हो रहा है? 20 से 20.1। तो आर की वैल्यू कितनी ले लें अपन? 20 सेंटीमीटर। तो जब आर 20 सेंटीमीटर था उस समय ये रेट ऑफ चेंज था, और उस रेट से कितना इंक्रीमेंट हुआ? डेल्टा आर इज 0.1। तो डेल्टा वी कितना हो जाएगा? अब उस जगह पे सिर्फ ये आर की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, 4πइंटू 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू 0.1। समझ में आया? 20 का स्क्वायर 400, 400 इंटू 0.1 40 इंटू 4 160π, और ये सेंटीमीटर क्यूब होगा क्योंकि ये वॉल्यूम है, तो 160π है। समझ में आया? पाई की वैल्यू है ना, तो वहाँ पे पाई की वैल्यू भी आएगी, राइट? अब इसको करने के दो तरीके हैं, या तो तुम दोनों वॉल्यूम निकाल लो और दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तुमने वैसे ही किया है, हाँ? तो वैसे हम कर सकते थे, टेंथ क्लास तक होते तो वैसे ही करते, लेकिन अभी हमें यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स यूज़ करना है, यहाँ अप्लाई करना है डेरिवेटिव्स या डिफ्रेंशिएशन जो हमने पढ़ा है, ठीक है? और ऑब्वियसली ये ज़्यादा ईजियर भी होगा, इतने से में हो गया, हम तीनों